नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, और भी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जो पॉपुलर बैंकिंग स्टॉक हैं जिसको ट्रेडर फेवरेट बोला जाता है, वो स्टॉक्स पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अपने सोशल मीडिया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी में बहुत दिनों से आपको बोलते आ रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 25,500 का है। नीचे जो है वो 24,400 का एक सपोर्ट है, इस रेंज के बीच में है। आज इस अपर एंड के पास में फिर से इसने क्लोजिंग दिया, यानी कंटिन्यू दो दिनों से ये यहीं पर क्लोज दे रहा। इतने ग्रीन में दिया, आज इतने रेड में दिया, मतलब जहाँ से ये ओपन हुआ नीचे तक तो गया लेकिन क्लोज हो गया जहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन हुआ था उसी के आसपास जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर हाई और ज़्यादा होता तो एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती, लेकिन इसका हाई जो पिछली ग्रीन कैंडल है उस हाई से नीचे ही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आपको निफ्टी में ऊपर या नीचे जिस साइड पे जाएगा मेरे ख्याल से एक बड़ा मूवमेंट मिलना चाहिए। बड़े मूवमेंट का मतलब हो गया है कम से कम 300 से 400 पॉइंट का ऊपर या नीचे की तरफ का मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में कल मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो भी आपको एक मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ। अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे की तरफ का आपको एक मूवमेंट यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखिएगा 25,500 के ऊपर। जैसे ही ये 5-7 मिनट ट्रेड करेगा समझ लीजिएगा आपको 250 से 300 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल फास्ट मूवमेंट मिलेगा। शायद वो मूवमेंट आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में ही मिल जाए। तो बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखिए, अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा और वापस ये 300 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो आपको 200 से 250 पॉइंट के नीचे की तरफ के मूवमेंट आपको फास्ट मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि बैंकिंग जो स्टॉक है बैंक निफ्टी में वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से स्टॉक बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेंगे। दोस्तों, जो पहला स्टॉक है इलाहाबाद बैंक की, बैंक निफ्टी में नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ बैंकिंग के पॉपुलर स्टॉक है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका ट्रेंड अभी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से 38 थे, अगर यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट करेगा क्लोज करेगा तो ये 40 के आसपास जाके जरूर रुकेगा यहाँ पे इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक आप नज़र रख सकते हैं जरूर 38 के ऊपर 40 के टारगेट के लिए, अगर जिसको ट्रेड करना है। एक्सिस बैंक अभी भी उस रेंज में ही फंसा है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर है एक्सिस बैंक में, वो सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। तो इस सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, 555 और 560 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको नज़र बना के रखिए, जब ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो एक शार्प करेक्शन आएगा जो कि इसको 500 तक लेके आ सकता है। ऊपर की तरफ अभी मैं कहीं पर भी मूवमेंट नहीं दिख रहा, मूवमेंट एक बार दिखेगा जब ये 620 के ऊपर क्लोज करेगा तब। अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट इसमें नहीं दिखेगी, तो जब भी ये 620 के ऊपर क्लोज करेगा एक बड़ा मूवमेंट आपको एक्सिस बैंक देने के लिए तैयार हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे इस पर अभी कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं दिख रहा, कहीं भी कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न में कुछ समझ नहीं आ रहा जितने मैं आपको इसको रिकमेंड करूँ। बैंक ऑफ इंडिया में भी वही कंडीशन है फिलहाल, इससे भी अभी दूरी रहते हैं। कैनरा बैंक में एक पोजीशन बनेगी, लेकिन वो पोजीशन बनेगी 340 के ऊपर। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 340 के ऊपर कैनरा बैंक मूवमेंट करता है तो 335 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइएगा, सॉरी 235 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 255 के टारगेट के लिए हम इसको बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब ये 250 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग करते हुए दिखेगा उस दिन हमको लेके जाना है, उसके पहले इस पर कोई ट्रेड अभी फिलहाल नहीं है। नीचे की तरफ एक सपोर्ट है 210 का, अगर ये 210 ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेजी से नीचे जा सकता है। डीसीबी बैंक में देखिए, मैंने बोला था, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैंने बोला था 151 के ऊपर क्लोज करें तो आप इसको लेके जाइए डीसीबी बैंक को। और देखिए, डीसीबी बैंक ने दो दिन में ही हमारा जो 151 के बाद टारगेट 160 और 165 के आसपास का था वो टारगेट इसने ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो जो जिसने भी पोजीशन बाइंग की है एक बार प्रॉफिट जरूर ले लीजिए। देखिए, प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलिए, ऐसे मार्केट वॉलेटाइल मार्केट में प्रॉफिट को आप लॉक करते हुए चलिए। अगला स्टॉक है हमारा फेडरल बैंक 74 के ऊपर। ये स्टॉक भी मुझे 76 और 78 तक जाते हुए दिखता है। तो अगर जिन्होंने पोजीशन को बाइंग किया है तो 74 का ही क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 78 का फेडरल बैंक में।
एचडीएफसी बैंक फिलहाल अभी मेरा मूड इसमें नहीं है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट जरूर देखिएगा, 1910 का है, 1900 और 1910 के बीच का है ये, 2050 के ऊपर एक बार जब ये क्लोज करेगा तब शायद मेरा इंटरेस्ट इस पर दिखेगा एचडीएफसी बैंक के। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एचडीएफसी बैंक ने कल अच्छा मूवमेंट कर दिया तो बैंक निफ्टी जो 25,500 का लेवल है उसको क्रॉस करके निकल सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक ने आज जितना ही मूवमेंट कर दिया कल भी, यानी आज के इसने लोएस्ट पॉइंट से ऑलरेडी 30 से 40 रुपए का मूवमेंट दिया है, तो वही 40 रुपए अगर इसने कल मूवमेंट कर दिया तो बैंक निफ्टी को ये 25,700 25,800 पे जाके क्लोज करा सकता है ये। अब इसके साथ में कुछ कोटक बैंक और SBI थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। ध्यान रखिएगा कल शायद इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है तो उसका इम्पैक्ट भी बैंकिंग शेयरों पर पड़ेगा। अगला स्टॉक हमारा ICICI बैंक, जिस दिन 320 के ऊपर ये स्टॉक भी आपको क्लोज करता हुआ दिखे उस दिन जरूर लेके जाइए 330 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 310 रुपये का और 330 और 340 टारगेट आपको मिल जाएंगे देखने को ICICI बैंक में, जब ये 320 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखेगा तब। IDFC बैंक हमने नया इसको ऐड किया है तो फिलहाल अभी एक दो दिन देखते हैं, उसके बाद इससे अपना व्यू बनाएंगे। इंडियन बैंक को भी हमने नया ऐड किया है तो इंडियन बैंक पे जो सपोर्ट है वो है 220 का, तो 220 के सपोर्ट अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 220 का जरूर रखिएगा, ऊपर जाते हुए फिलहाल मुझे अभी यहाँ पे रजिस्टेंस ही नज़र आ रहा है। इंडसइंड बैंक 1650, जैसा कि 1650 और 1550 ये इसने एक रेंज बना ली है, जब तक ये कंटिन्यू इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा 1660 के ऊपर तब तक इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। 1660 के बाद इसकी मूवमेंट जो होगी वो होगी 1730 1735 तक की मूवमेंट ये बना के देगा इंडसइंड बैंक, लेकिन कल रिजल्ट है तो फिलहाल इससे अभी दूर ही रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 1550 के ऊपर की मैंने क्लोजिंग बताया था कि 1550 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 1200 तक लेके जा सकती है, लेकिन देखिए आज 1280 1282 का इसने हाई जरूर लगाया। लेकिन ध्यान रखिए जब इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब पे प्राइवेट सेक्टर जो भी बैंक का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर रिजल्ट थोड़ा भी खराब आया तो इस पर भी मार पड़नी तय है, तो थोड़ा सा पोजीशन को आप संभाल के रखिए, क्योंकि जब रिजल्ट के दिन हमेशा मार्केट वोलेटाइल होगा या फिर उस सेक्टर वोलेटाइल होगा, इंडसइंड बैंक सबसे पहले रिजल्ट देता है बैंकिंग में। कर्नाटका बैंक जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 102 के बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि 105 का टारगेट दे देगा, लेकिन अगर ये 103 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करे तब आप 110 के टारगेट के लिए इसको लेके जा सकते हैं। PNB इतना अच्छा नहीं लगते लगते भी लग रहा है ये अच्छा लग के और फंसाएगा हमें, तो फिलहाल इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, तो इसे मुझे अच्छा लग रहा है ये 68 के ऊपर मुझे लगता है 70 और 71 के टारगेट ये दिखा सकता है PNB, तो PNB पे एक बार नज़र जरूर बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे स्टॉक्स हैं तो PNB को फिलहाल छोड़ दीजिए। RBL 540 इसको नज़र बना के रखिए, जिस दिन 540 के ऊपर ये कंटिन्यू क्लोज करने लगा उस दिन आपको 560 और 580 के लेवल ये दिखा सकता है RBL बैंक, तो RBL बैंक पे फोकस बना के रखिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, और अकाउंट ओपन होने के बाद में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ध्यान रखिए अकाउंट ओपन होने के बाद में जो आप जीरोधा में फंड ट्रांसफर करेंगे उस फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 88282 पर भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट उसका और आपका जो लॉगिंग आईडी दिया गया है उसका स्क्रीनशॉट, दोनों स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए जिससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। यूनियन बैंक फिलहाल ये स्टॉक से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यस बैंक पर नजर बना के रखिए, 240 के नीचे अगर ये क्लोज करने लगेगा फिर से तो फिर ये 235 और 230 की तरफ वापस बढ़ेगा, ऊपर जाने के लिए फिलहाल अभी थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट ये ऑलरेडी दे चुका है, जैसा कि मैंने 220 के बाद आपको बोला था 240 और 260 के टारगेट के लिए। SBI फिलहाल ये स्टॉक में भी मूवमेंट मेरे ख्याल से लग रहा है, अभी जब सरकारी बैंक है वो रिजल्ट देंगे तभी इसमें मूवमेंट होगी, तो 260 के नीचे की दो क्लोजिंग इसको 250 और 245 तक लेके जा सकते हैं, उसी तरह से 280 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 290 और 300 तक लेके जा सकती है, तो ध्यान रखिए दोनों के बीच में है, जिस साइड में मूवमेंट निकलेगा उस साइड में एक बड़ा मूवमेंट SBI भी कर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमें बैंक निफ्टी कल कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेल करना है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती हैं शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, तो जो भी सज्जन ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है हमारे नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी को कल बाइंग करेंगे 25,500 के ऊपर निकलेगा तब, हमारा पहला टारगेट होगा 25,600 का, दूसरा होगा 25,700 का और तीसरा होगा हमारा 25,800 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 25,400 का। अगर बैंक निफ्टी 25,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करेंगे, हमारा पहला टारगेट होगा 25,200 का, दूसरा टारगेट होगा 25,100 का और तीसरा टारगेट होगा हमारा 24,900 का, स्टॉप लॉस होगा हमारा 25,000
400 का। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई कॉस्ट उसकी नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उससे मैं कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, कुछ प्राइस पोस्ट करते रहता हूँ स्टॉक्स की, किस प्राइस के ऊपर आपको ये लेना चाहिए या किस प्राइस के ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है, वो प्राइस वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं वहाँ पे चार्ट पोस्ट करता हूँ, ज़्यादातर वो चार्ट निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 50 यानी इन्हीं 100 कंपनियों में से होते हैं। तो जब भी आप इसको वॉच करें, अपनी वॉच लिस्ट में ये 100 कंपनियों के स्टॉक जरूर लगा लीजिएगा। इसमें से आप 100 रुपये के नीचे वाले स्टॉक हटा दीजिए और 10,000 से ऊपर वाले स्टॉक ऐसे ही हटा दीजिएगा। तो वो स्टॉक्स आप लगा के रखिए, तो मैं जो भी उस पर अपनी रिसर्च प्रोवाइड करूँगा उसको आप फटाक से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।